हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो हम लोग अभी देखेंगे जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बीपीएससी के लिए, 69 बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऐप और पोर्टल हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। और कितने पोर्ट और एप्पल है ज़्यादा नहीं है, और यहाँ से सवाल पूछने की अगर संभावना बनती है तो यहीं से आएगा, ठीक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है आपका वहीं हम लोग बात करेंगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न हो जाता है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ऐप जिसका नाम है बेफिक्र, कहता है कि बेफिक्र ऐप जो है इसका संबंध पूछता है कि इसका संबंध किससे हो जाता है बेफिक्र ऐप का। तो देखिए, बेफिक्र क्या हो जाता है, बाढ़ और सुखाड़ से इसका संबंध होता है, बाढ़ एवं सूखा से इसका संबंध होता है। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाता है आपका बेफिक्र ऐप हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, लॉन्च करता की अगर बात कर दिया जाए तो बिहार के जल संसाधन मंत्री ने किया था, जिसका नाम है संजय कुमार झा के द्वारा होता है। कार्य क्षेत्र की अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा, कार्य क्षेत्र में इसमें हम लोग देखेंगे, कहता है कि बाढ़ एवं सुखाड़ क्षेत्र से संबंधित आवश्यक सूचना को स्वचालित प्रणाली के जरिए मुख्यालय से लेकर दक्षिण स्तरीय के पदाधिकारियों तक रियल टाइम में पहुँचाना इसका काम है, ठीक है, बेफिक्र ऐप का ये काम हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बीवीआई हो जाता है। अगला कहता है कि जनवरी 2023 में मोबाइल फ्रॉड से बचने के लिए, ठीक है, मोबाइल फ्रॉड से बचने के लिए कहता है कि दूरसंचार विभाग ने बिहार में कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा किया है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, मोबाइल से फ्रॉड करते हैं, इसी को ख़त्म करने के लिए एक पहल चला गया, आपको पोर्टल लॉन्च किया गया है, उस पोर्टल का नाम क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा टेफ कॉप हो जाता है, उसका नाम है टेफ कॉप हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाता है, टेफ कॉप हो जाएगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहता है कि बिहार में टेफ कॉप पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा, उद्देश्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो उद्देश्य देखिए, कहता है उपभोक्ताओं को मोबाइल फ्रॉड से बचाना है। उपयोगिता की अगर बात कर दी जाए तो कहता है उपभोक्ता अपने मोबाइल कनेक्शन की जांच कर सकता है कि उसके नाम पर कितनी सिम एक्टिव है। अगला देखिएगा, कहता है टॉपके पोर्टल का क्या हो जाता है, टेलीकॉम एनालिस्टिक फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन पोर्टल हो जाता है। देखिए, कहता है कि टॉपकॉप पोर्टल की शुरुआत की बात करें तो वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश से इसको प्रारंभ किया गया था। कहता है कि टॉपकॉप पोर्टल के उपयोगकर्ता राज्य के बारे में अगर पूछा जाए तो कितने राज्य इसका उपयोग कर रहा है, तो देखिए आंध्र प्रदेश हो जाता है, सबसे पहला आंध्र प्रदेश ने किया, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, केरल हो जाता है, राजस्थान, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे इसमें, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसको, बहुत बेबी आई है। कहता है कि जनवरी 2023 में बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण का पोर्टल किसने लॉन्च किया, कौन सा, तो याद रखिएगा जाति आधारित सर्वेक्षण का पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो कौन हो जाएंगे, तो मुख्य सचिव हो जाते हैं, जिनका नाम है आमिर सुबहानी, नाम हो जाता है आमिर सुबहानी ने लॉन्च किया, बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण पोर्टल शुभारंभ किया गया है। शुभारंभ की तिथि पूछा जा सकता है, कब इसको शुरुआत किया गया, तो 23 जनवरी 2023 हो जाता है, शुभकर्ता कौन हो जाता है, तो ये आमिर सुबहानी हो जाते हैं, जो मुख्य सचिव हैं, इन्होंने ही इसका शुभारंभ किया था। कहता है कि उद्देश्य क्या हो सकता है, तो जातीय सर्वेक्षण कार्य में सभी प्रकार के डिजिटल प्रबंधन करना, ठीक है, सभी प्रकार की क्या करता है, डिजिटल प्रबंध करना इसका उद्देश्य हो जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे, देखिए कहते हैं कि जाति गणना के पहले चरण में राज्य के कितने, तो 2,58,90,497 परिवारों तक गणना कर्मियों ने पहुंचकर मकानों की नंबरिंग और परिवार के मुखिया का नाम और सदस्यों की संख्या को अंकित किया। प्रथम चरण में एकत्रित किए गए सभी आंकड़ों को इस पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं, नेक्स्ट कहता है कि नवंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित को लेकर के, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ट प्लस ऐप, इसे याद रखिए, जब मैं जहाँ जहाँ मैं बीबीआई बनाया है अगर आप देख रहे होंगे उसे आप अपने दिमाग में ज़रूर छाप लीजिएगा।
कहता है कि बच्चों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर के बेस्ट प्लस जो ऐप है, कौन सा बेस्ट प्लस ऐप जो है ये लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया, तो याद रखिए बिहार सरकार ने इसको लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया, तो बिहार ने इसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको लॉन्च कब किया गया, तो नवंबर 2022 में लॉन्च किया जाता है। किसने लॉन्च किया, तो बिहार ने लॉन्च किया, याद रखिएगा। अगर उद्देश्यों की बात करेंगे तो उद्देश्य में सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाना, लगभग 75% सुनिश्चित करना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे तो इस कार्य को लेकर के शिक्षा पदाधिकारी को यूज़र आईडी व पासवर्ड उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, इसी में अगला सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम बार बार आपको बोलते हैं कि ये सेशन आपके बिहार करंट अफेयर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इसमें मिलेगा। अगर बात करें तो पूरा का पूरा सेशन अगर एक बार अच्छे तरीके से आप देख के जाते हैं तो समझिए कि बहुत अच्छा आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। टोटल का टोटल करंट अफेयर्स हम यहाँ पे अभी आज ही के आज हम आपको टोटल का टोटल कराने वाले हैं, ताकि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। और एक फर्स्ट एंड लास्ट हम आपको आज ही लगभग 11 बजे तक, आपको 10-11 बजे के बीच में आपको मिल जाएगा। वन मतलब एक सेट है, आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, आप मेरे साथ बनाइएगा, ठीक है। उस समय अगर आप तैयार रहते हैं 10-11 बजे रात को, तो 10-11 बजे रात तक शायद आपको मिल जाए, ठीक है। और उसमें वन समझिए कि 100 अगर पार करते हैं तो समझिए कि बहुत बेजोड़ है आपकी तैयारी, ठीक है। और आप ज़रूर से बनाइएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट और लास्ट रहेगा, बाकी हमने ऑफलाइन कराया है, ऑनलाइन पहली बार हम उस सेट को आपको कराएंगे। तो देखिए यह कहता है कि इस ऐप के जरिए विद्यालय खुलने की स्थिति, शिक्षकों एवं बच्चों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन, समय सारणी एवं वर्ग संचालन, शैक्षणिक सूचनाएँ, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, विद्यालय में स्वच्छता एवं शौचालय के बारे में तत्काल जानकारी मिलेगी। क्या होगा, तत्काल जानकारी मिलेगी। अगला सवाल देखिएगा, कहता है कि नवंबर 2022 में बिहार के किस मंत्री ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत हायरिंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। तो इसे ज़रूर याद रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही VBI है ये, बहुत ही VBI हो जाता है आपका, ठीक है। बिहार के किस मंत्री ने कहा था कि मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत हायरिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया, तो सुरेंद्र प्रसाद यादव हो जाते हैं, याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा। हायरिंग मोबाइल ऐप क्या है ये भी देख लीजिए। लॉन्च माह की अगर समय देखेंगे तो नवंबर 2022 में किया गया। लॉन्चकर्ता कौन हो जाते हैं, तो सुरेंद्र प्रसाद यादव हो जाते हैं, बिहार के सहकारिता मंत्री होते हैं। लॉन्च ऐप देखिए, हायरिंग मोबाइल ऐप मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत। उद्देश्य की बात करें तो देखिए, किसान घर बैठे अपने मोबाइल से कृषि उपकरणों की बुकिंग कर सकेगा। विशेषता की बात करें तो इसके साथ ही बिहार देश का पहला राज्य बन गया जो पूरी तरह से सरकारी ऐप विकसित कर लघु एवं सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हायरिंग ऐप का मतलब क्या होता है कि जो भी यंत्र चाहिए कृषि करने के लिए, वो आप बैठे बैठे घर से मोबाइल ऐप के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, ताकि भाड़े पे आपको उपलब्ध हो सके, ठीक है। इसलिए ये जो सवाल हो जाता है बहुत ही VBI हो जाता है। तो यहीं पे ये हमारा ऐप और पोर्टल का जो सेशन है समाप्त हो जाता है। अगला सेशन हम लोग देखेंगे, इसमें अगला सेशन की अगर देखेंगे तो देखिएगा, नेक्स्ट आपका हो जाता है प्रसिद्ध पुस्तकें जो बहुत ही VBI है। यहाँ से प्रश्न, जैसे पुस्तकें आप देख रहे होंगे, पुस्तकें से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, बताइए किसने लिखा, किसका, किसने विमोचन किया, किसने उद्घाटन किया, किसमें क्या है, कौन सा पुरस्कार मिला, तो यहाँ से निश्चित तौर पे 2-3 प्रश्न आते ही आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रसिद्ध पुस्तकें देखेंगे, ठीक है। तो हमारे सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों में ये सब चीज़ें मतलब जाए, ठीक है, और आपके साथ साथ आपके साथी संगियों को भी इसका फ़ायदा मिले। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।